गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 1.4 एक्सरसाइज में आज हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। और 1.4 में वैसे ये दो ही क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। नॉर्मली ये 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं और 1.4 इससे आपकी कवर हो जाएगी। 1.2, 1.1, 1.4, 1.3 इस कुछ एक्सरसाइज है, एक दो वीडियोज़ में हम चैप्टर कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब आपको डिवीज़न ना करते हुए, लॉन्ग डिवीज़न ना करते हुए डिवाइड नहीं करना है। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, लंबा डिवाइड करके करे बिना, बिना लंबा डिवाइड किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, यानी आपको यहाँ कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। याद होगा आपको क्लास 9th में लेसन नंबर 1 में 1.3 में आपको कुछ रैशनल नंबर दिए थे और आपने वहाँ गैस किया था कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था, रिमाइंडर 0 आता था उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे, और जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता था कंटिन्यू प्रोसेस चलती जाती थी, एंड नहीं होती थी, उसे आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे। वहाँ हम लोग डेसिमल वेरीफाई करने के लिए टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग लंबा डिवाइड करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते थे। बट लेसन नंबर 10 में, सॉरी क्लास 10 में लेसन नंबर 1 में 1.4 में आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, नीचे दिए हुए रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, किसके डेसिमल से टर्मिनेटिंग है और किसके नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए रैशनल एक्सप्रेशंस को जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है और नॉर्मली आंसर डेसिमल में आते हैं, पॉइंट में आते हैं, और उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है कि भाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो टर्मिनेटिंग होता है और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये आप लोग सीख चुके हो पिछली क्लासेस में, और नहीं भी सीखा है आप लोगों ने, छूट गया हो किसी वजह से, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। रैशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते हैं, जिसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है, और रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो विच टाइप्स ऑफ डेसिमल, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशंस। और रिमाइंडर 0 नहीं आया, प्रोसेस कंटिन्यू चलते जा रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अब यहाँ आपको बिना डिवाइड किए, आई रिपीट, बिना डिवाइड किए बताना है कि जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका एक नॉर्मल तरीका है, 9th क्लास में आपने डिवाइड करके इसे सीखा है, मेरे 9th क्लास में भी हम लोगों ने इसी प्रकार टाइप का एक वीडियो आज सबमिट किया है, उसे आप देख सकते हो। फिलहाल 9th क्लास में आप लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके गेस करते थे भाई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिना डिवाइड किए चेक करना है, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर्स कर दो। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये कहाँ से आया, ये सब आपको पिछले वीडियो से बता दिया है मैंने। न्यूमरेटर का सॉरी डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस कर दीजिए, डिनोमिनेटर को फैक्टर्स फैक्टराइजेशन कर दीजिए, उसके फैक्टर्स निकाल दीजिए, और अगर उसके फैक्टर 2 और 5 आए, आई रिपीट 2 और 5 के फॉर्म में आए, 2 और 5 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा कुछ आए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जिसे हमने डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन किया, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5 की पावर 5 आया, और 5 और 2 आने से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है 17/8, डिनोमिनेटर आप न्यूमिनेटर 17 है, डिनोमिनेटर 8 है, डिनोमिनेटर को फैक्टर्स कीजिए, फैक्टर्स निकालिए, फैक्टराइज कीजिए, 2 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहलाएगा। अब ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस है, मतलब अगर आप इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसके भी न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे
डिनोमिनेटर से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो रिमाइंडर आएगा, लेकिन हमें बिना डिवाइड किए चेक करना है, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली करते चल रहे हैं। थर्ड है 64/455, तो डिनोमिनेटर जो 455 है उसे सॉल्व करें, लास्ट में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका सम 14 आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम, 13 1 13। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 5 और 2 आना चाहिए, और 5 और 2 के अलावा कुछ आया, जैसे यहाँ 7 भी आया, 13 भी आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15/1600। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो 1600 को, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 से डिवाइड करेंगे 800 टाइम, 2 से 400 टाइम, 2 से 200 टाइम, 2 से 100 टाइम, 2 से 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। डिनोमिनेटर को फैक्टर्स करने के बाद, डिनोमिनेटर्स के फैक्टराइज करने के बाद, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने के बाद वो 2 और 5 आया है, और डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल माने जाएंगे। एज इट इज 5th क्वेश्चन 29/343, तो 343 को जब अपन सॉल्व करेंगे, सॉरी 343 है। 5th क्वेश्चन, मैंने एक नंबर गलत सबमिट किया था, 347 नहीं था वो, 343 था। तो 343 जो है आपका डिनोमिनेटर है, उसको सॉल्व करेंगे तो भाई 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, डिजिट बिटेस पता है आपको, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इन सबका सम करो 10 आएगा, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 3 के टेबल में नहीं आता, लास्ट में 5 नहीं तो 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से होगा, 7 4 28, 6 बचेगा, 7 9 63, 7 7 7 7, 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर के फैक्टर आने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, 7 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, ये तो आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इसका डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर ऑलरेडी आपको करके दिए हैं, और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स में 2 और 5 आया है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस होगा एज इट इज। अगर हम लोग 8th क्वेश्चन पे आए तो ये 6/15 है, चेक करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसे हम स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और अगर ऐसा है तो आप पहले वो काम करेंगे, 3 2s and 3 5s, हो गया स्मॉल फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करो, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या होगे, 5 8 2 1, यानी 5 आया, और 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फिर 9th है 35/50, ये भी स्मॉल फॉर्म में आ सकता है, स्मॉल फॉर्म में मतलब अगर दोनों किसी टेबल में आते हैं तो उसको आप डिवाइड करके स्मॉल फॉर्म में लेके आओ, 5 7 35, 5 10 50। फिर 10 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 2 5 10, 5 1 5, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आए, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, फिर 10th क्वेश्चन है 77/210, इसको भी पहले स्मॉल फॉर्म में ले लो, तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 1, 7 3 7 30, फिर 30 को आप जब डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो 2 15 टाइम आएगा, 3 से 5 टाइम आएगा, 5 से 1 टाइम आएगा, 2 और 5 के अलावा 3 आया, देन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आपका 1st क्वेश्चन है, और 2nd क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसी से कनेक्टेड है। ये देखिए, बुक सामने रखना आप, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस। अभी आपने डेसिमल एक्सपेंसेस क्लासीफाई किया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और अब आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस करके दिखाना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशंस, आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस करके दिखाना है ऑफ दोज रेशनल नंबर, उन सभी रेशनल नंबर का, इन क्वेश्चन नंबर वन के उन सभी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशंस करके दिखाना है, अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस का। देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब होता है कि आपका आंसर पॉइंट में आना चाहिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ चेक किया था विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अब 2nd क्वेश्चन में वहाँ जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल एक्सप्रेशंस करके दिखाना है। तो फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था 13/3125, इसका टर्मिनेटिंग हमने चेक किया था कि टर्मिनेटिंग है,
इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा? न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो ये तो स्मॉल है इसलिए ज़ीरो टाइम जाएगा, 13 आएगा, पॉइंट लगाओ, एक ज़ीरो लगाओ, फिर एक ज़ीरो, ज़ीरो टाइम जाएगा, 1300 आएगा, 1300 आने के बाद ये 1300 इससे फिर छोटा है तो ज़ीरो टाइम जाएगा, 1300 ऐसे ही आएगा, पॉइंट लगा हुआ एक ज़ीरो बढ़ेगा, और फिर इसका टेबल जब 4 टाइम लेंगे तो 12500 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 500 आएगा, फिर एक ज़ीरो और लगा देंगे, 4 टाइम्स के बाद 1 टाइम जाएगा, 3125 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 1875 आएगा, एक ज़ीरो और लगा देंगे, क्योंकि ये जो भी आपको डिवीज़न प्रोसेस पता होनी चाहिए, 9th क्लास पढ़ के आ रहे हो बेटा, कि 3125 का टेबल जब 6 टाइम लेंगे तो 18715 आ जाएगा, और इस टाइप से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी प्रोसेस कंप्लीट होना ही थी, डेसिमल एक्सप्रेशन जो था टर्मिनेटिंग था, तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन का आंसर है। उसके बाद सेकेंड भी टर्मिनेटिंग था, ये फर्स्ट का सेकेंड है जो टर्मिनेटिंग था, और टर्मिनेटिंग को डेसिमल एक्सप्रेशन करके दिखाना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, 17 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 to the 16, 1 रिमाइंडर बचे, फिर ये स्मॉल होने की वजह से यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो बढ़ाएंगे, 8 1 8, 2 बचेगा, एक ज़ीरो और लगा देंगे, 8 2 16, 4 बचेगा, एक ज़ीरो और लगा देंगे, 8 5 40, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ये डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। अब आप मेरे से पूछेंगे, सर आप नॉन टर्मिनेटिंग को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें आंसर आ ही नहीं सकता, उसमें रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है? ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है, इसलिए उसने सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसी का करने को कहा है जो टर्मिनेटिंग है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग था, 15 upon 1600, आप देख सकते हैं पिछले इसी वीडियो में देख सकते हैं आप, तो 15 को 1600 से डिवाइड कर दो, देखिए लॉन्ग डिवीज़न है, वैसे लंबा दिख रहा है लेकिन इतना लंबा नहीं है, हालांकि इसकी एक मेथड और है लेकिन उस मेथड से नहीं करा रहा हूँ, 9th क्लास में आपने जैसे किया मैं वैसे ही करवा रहा हूँ। 1600 ज़ीरो से 60 आएगा, 15 का 15 कैरी हो जाएगा, आप पॉइंट लगाओ, ज़ीरो बढ़ाओ, स्मॉल नंबर है, देन फिर ज़ीरो टाइम जाएगा, 1500 आएगा, 150 आएगा, एक ज़ीरो और लगेगा, फिर ज़ीरो टाइम जाएगा, 15000 हो जाएगा, और अब 1600 का टेबल जब आप 9 टाइम लोगे 14400 होगा, 600 रिमाइंडर बचेगा, एक ज़ीरो और लगा दीजिए, 1600 का टेबल 3 टाइम लीजिए 4800 आएगा, 16 3 48 होता है, नॉर्मल है, माइनस करने पे 1200 आएगा, फिर एक ज़ीरो और लगा दीजिए, 1600 का टेबल 17 टाइम लीजिए 11200 आएगा, रिमाइंडर 800 बचेगा, एक ज़ीरो और लगा दीजिए, 16 5 से 80 होता है, 1600 टेबल 5 टाइम लीजिए 8000 आ जाएगा, और इस टाइप से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ये आ गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद सिक्स क्वेश्चन था 23 upon 2 की पावर 3 and 5 की पावर 2, ये तो सिंपल सा है, 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 25 8 200 होता है, 23 को 200 से डिवाइड कीजिए, 200 0 0 था, 23 आएगा, एक ज़ीरो लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, ज़ीरो लगा दीजिए, 200 1 the 200, 30 बचेगा, एक ज़ीरो लगा दीजिए, 200 1 the 200, 100 बचेगा, एक ज़ीरो लगा कर पॉइंट लगा कर एक ज़ीरो लगा दीजिए, ज़ीरो तो ऑलरेडी लगाना ही पड़ेगा आपको, पॉइंट लगा हुआ है, और 205 1000, देन ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यानी हम वही सब क्वेश्चंस को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं जो वहाँ टर्मिनेटिंग थे, ऐसा हमें कहा गया है। उसके बाद 6 upon 15, इसे हमने स्मॉल किया था, 2 by 5 लिखा था डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए, 2 को 5 से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, 2 को 5 से डिवाइड करने पर आएगा 5 0 0, 2 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 2 10, 5 2 10, 5 4 20, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, ओके 0.5 आएगा, 5 4 20, थोड़ा मिस्टेक यहाँ हो गई थी, 0.5 आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है, ओके। वैसे आप यहाँ पर 6 को 15 से डिवाइड करोगे तो भी सिंपल यही आंसर आएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन लिखने में, बट
आप खुद समझदार हो, 5 0 0 2 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 4 20 और 0.4 उसका एक्सप्रेशन आ गया, 35/50 है। इसे स्मॉल किया हम लोगों ने, 5 7 35, 5 10 50, 7 को 10 से डिवाइड किया, एक जीरो होने के बाद एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, 0.7 आंसर आ गया। ये तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। इस प्रकार से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।